पिछले चंद दिनों से रियासत के मुख्तलिफ अजला में हो रही तेज़ बारिश व सैलाब में सड़कें व बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ढेर हो चुके हैं और आवाम परेशानी व इज़्तिराबी के दर्दनाक हालात से दो चार है। इस मामले में अपोजिशन कर्नाटका कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मंसूर अली खान ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया, कहा कि सैलाब के दौरान हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के मंत्रियों की कॉन्ट्रैक्ट्स में 40% कमीशनखोरी है। ये जो एलिगेशंस है, जो 40% कमीशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का है, ये अब मामला सामने आया है। ये सब लोगों को पता है, ये गवर्नमेंट सिर्फ कमीशन पे काम करती है और 40% कमीशन पे ही काम करती है। आप हालात देख रहे हैं, बेंगलोर के जो रीसेंट बारिश जो हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किया है, जब 40% सरकार के मंत्री या एमएलए और दूसरे ऑफिशियल्स खा जाते हैं और 60% में ये लोग क्या काम कर सकेंगे। और बम्बई सरकार 40% सरकारी है, तो आप देख लीजिए जो बेंगलोर में जो करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में जो करप्शन है, कर्नाटका में करप्शन है। मोदी जी बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ पर तो आम दावत हो गई है गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और एमएलएस के। और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई इतने वीक हैं कि वो खुद उनके मिनिस्टर्स, एमएलएस और ऑफिशियल्स को करप्शन के मामले में कुछ नहीं बोल सकते। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।